हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीएसटी यूपी समर रिसर्च फेलोशिप 2024 का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें आपका पीडीएफ हम देखेंगे। उसमें कितने कैसे कैंडिडेट हैं और कितनी सीटें रही हैं। लगभग आपकी 78 सीटें रही हैं यूपी बोर्ड के लिए और 78+ सीटें आपकी अदर बोर्ड के लिए भी रही हैं, जिसमें कुछ वेटिंग वेटिंग में भी कुछ स्टूडेंट हैं। उनको क्या करना है और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, इसकी कट ऑफ क्या रही है, मिनिमम कट ऑफ क्या रही है, इसको भी देखेंगे। जो और जो आपके 50,000 रुपये हैं ये कब मिलेंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ पे रिसर्च करना होगा, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। जब हम बात करते हैं कैंडिडेट की, जो इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, तो उसमें हम देखते हैं, तो इसका आपका ये फर्स्ट जो हाईएस्ट जो आपकी मेरिट गई है वो गई है आपकी आपकी मेरिट है 89.92। इसमें एप्लीकेशन नंबर ये आपका पड़ा हुआ है, साक्षी शर्मा नाम है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का के स्टूडेंट है ये, और 89.92 हाईएस्ट मेरिट है। एंड लोएस्ट मेरिट जो आपकी है, जो कट ऑफ है उसे जब आप देखेंगे तो लोएस्ट में हम चलते हैं। यूपी बोर्ड का हम देख रहे हैं इसमें, अभी हम अदर बोर्ड का भी देखेंगे। तो यूपी बोर्ड में जो लोएस्ट कैंडिडेट है वो 79 पे है, जो है 83.63, और ये है 83.64। यहाँ पे आपको यदि आपकी 83 के आसपास यदि मेरिट है और आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन आपका इसमें शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जब बात करें तो उसमें 50 सीट्स थी और इस बार ये सीट्स बढ़ा के 78-79 कर दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और थोड़ा कट ऑफ भी कम गई है, नहीं तो पिछले साल बहुत कट ऑफ गई थी। जब हम बात करते हैं यूपी बोर्ड के कुछ जो वेट लिस्टेड मेरिट लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे लगभग लगभग आपके 10 स्टूडेंट्स के आसपास हैं, 8 से 10 स्टूडेंट जो आपके वेटिंग पे हैं, 10-12 स्टूडेंट आपके वेटिंग पे हैं। फिर अदर बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट है, जिसमें अदर बोर्ड की मेरिट लिस्ट में सीबीएसई जो आता है, और तो ये सब यूपी बोर्ड के अलावा जो भी बोर्ड हैं वो सब अदर बोर्ड में अप्लाई करते हैं, जिसमें हाईएस्ट गई है आपकी 95.68 एंड लोवेस्ट इसकी गई हुई है कट ऑफ। जब लोवेस्ट की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे लोवेस्ट कट ऑफ है आपकी 77 नंबर पे, 89.15, ये आपकी लोवेस्ट कट ऑफ है। आप यहां देख पा रहे होंगे यहाँ 77 सीट्स हैं और यहाँ पे आपकी 79 यूपी बोर्ड में। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि कुछ नाम जो है रिपीट हो गए हैं, क्योंकि किसी किसी ने दो बार जैसे फॉर्म भर दिया है तो वहां पे नाम रिपीट हुए हैं। जैसे कि मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे डुप्लीकेट 34, जो 34 नाम है ये दो बार रिपीट हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट नाम रिपीट हुआ है डुप्लीकेट ऑफ 37 मोहम्मद सहदाब आलम, ये दो बार रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से आपका 77 से 79 हो गया है। और यहाँ आप जब देखेंगे वेटिंग लिस्ट पे भी कुछ नाम रिपीट हुए हैं, जैसे डुप्लीकेट ऑफ 59, ये आपका रिपीट हुआ है यहाँ पे नाम। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक 59 का रिपीट हुआ, और ये आपका डुप्लीकेट ऑफ 75 प्रमोद चंदन सिंह, दो बार इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो यहाँ शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, जबकि डुप्लीकेट ऑफ 75 मीन्स लिख दिया गया है कि एक माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपको डुप्लीकेट ऑफ 82 अनुराधा वर्मा, ये आपकी दो बार जैसे इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो इनका डुप्लीकेट में यहाँ पे एक नाम शो कर रहा है। ऐसे ही जो 77 से आपका सीट्स जो है वो 79 हो गया, जबकि सीट्स जो है आपकी 77 है। ये हुआ आपका इसका जो जो कट ऑफ है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया लोवेस्ट कट ऑफ क्या रहा और आपका हाईएस्ट कट ऑफ क्या रहा। तो लोवेस्ट आपका 83 यूपी बोर्ड में, और आपका जो जब हम बात करते हैं अदर बोर्ड की, तो उसमें जो लोवेस्ट कट ऑफ आपका रहा है
जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें 89 के आसपास रहा, 89.15, और इसके नीचे कुछ पॉइंट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में वेटिंग लिस्ट में जो है वो कैंडिडेट हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन की, रिजल्ट आने के बाद आपको करना क्या है। आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको मेल करना है, या तो मेल और स्पीड पोस्ट दोनों करना है, जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि 10th एंड 12th, आपका ये 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर की एंड ट्रांसक्रिप्ट एंड एमएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट्स, यदि आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट, सेल्फ अटेस्टेड करके, देन इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको एनेक्सर वन में दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बनवाना है। फिर इसके बाद आपको कोई एक भी एडमिट कार्ड या लाइब्रेरी कार्ड या आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका इंस्टीट्यूट का, वो आपको आधार कार्ड एंड जो आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपका लोकेशन वो आपको लिखना है, एंड एक राइटअप लिखना है रिसर्च प्रपोजल जिसमें आपको रिसर्च इंटरेस्ट है वो एक पेज का आपको लिखना है। तो इसमें यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कई जो भी समस्याएं आपको इससे रिलेटेड हो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर इस फेलोशिप में मैंने काम किया है, और इसका फोटो कॉपी, बैंक का पासबुक या आप कैंसिल चेक की फोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जीरोक्स बना के आप मेल कर दीजिएगा। और इसी के साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है। इतना करने के बाद और इसका जो मेल करना है वो आपकी आपका दिया हुआ है cstupsrfp@gmail.com, और ये आपका एड्रेस है ज्ञान भवन 9 नेबुल्ला रोड, सूरज कुंड पार्क, लखनऊ। तो इसमें आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब हम बात करते हैं 50,000 रुपए कैसे मिलेंगे। जब 50,000, इसमें जो आपका 2 मंथ का, आप जानते हैं 2 मंथ की आपकी फेलोशिप है, इसमें आपकी 50,000 रुपए मिलने हैं, जिसमें कि ये मिलेंगे कैसे। अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, डीवी करवाने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। क्या आएगी फाइनल लिस्ट, यदि किसी भी स्टूडेंट का डीवी में डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्ट जो आपके वेटिंग लिस्ट में, जो आपकी वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनको मौका मिल जाएगा, और उनका फिर डीवी होगा। इस तरह वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा, और डीवी करवाने के बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट में आपको, फाइनल लिस्ट में डेट आपको दी हुई होगी कि मई से आपको ज्वाइन करना है, मई से जुलाई तक या सितंबर तक, 2 महीने बीच में आपको रिसर्च करना होगा। जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के करते टाइम आपको जो 50,000 का है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको रुपए मिल जाएगा। तो 50,000 रुपए ऐसे आपको मिलेगा, जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा वो आप स्वयं से चूज कर सकते हैं, और आपका जो टॉपिक होगा वो भी आप स्वयं से अपना रिसर्च प्रपोजल बना के उन्हें दीजिए, जिससे आपका डीवी सक्सेस रहेगा एंड फिर आपका फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें डीवी करवा सकते हैं, और अपनी अपनी जो आगे जो आपकी प्रोसेस है वो करवा सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको इसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दूंगा, जिसमें आप उससे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।